الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم روشي پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و ثناء کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں اس مقام پر تین روز سے مسلسل تقریر کر رہا ہوں آج تیسری شب ہے گزشتہ دو راتوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اولیاء کرام کی عظمت و شان ان کی پہچان اور ان کا انجام اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختصر حالات پیش کیے آج بھی میں آپ حضرات کے سامنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے ساتھ ساتھ چند ضروری مسائل بھی بیان کروں گا آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے سکون کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم میرے بزرگوں اور دوستوں گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے یہاں تک بیان کیا تھا کہ حضرت غوث اعظم اپنے قصبہ گیلان سے بغداد شریف پہنچے علم کی تکمیل کی اور شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کی جہاں تک کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت علامہ قاضی ابو سعید المبارک مخدومی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور اپنا جانشین بنایا آپ بغداد شریف میں حضرت قاضی صاحب کے دارالعلوم میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے حدیث تفسیر اور فقہ پڑھاتے تھے
सैकड़ों उलमा आपसे मुस्तफीद हुए और उन्होंने आपकी सोहबत में रहकर उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातनी हासिल किए। ये भी मैंने आपके सामने गुज़श्ता रात बयान किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 7 मर्तबा अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 मर्तबा अपना लुआबे दहन आपके मुंह में डाला, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने 70 दरवाजे इल्मे लदुन्नी के आपके दिल पर खोले। फिर आपका ये आलम था कि आप आलिमे उलूमे ज़ाहिरी भी थे और आलिमे उलूमे बातनी भी थे। इसके बावजूद आप फरमाते हैं मैंने 11 साल मुसलसल रोजे रखे और 11 साल दिन को रोजे रखते थे और रात को सारी रात इबादत करते थे। गौसे आजम फरमाते हैं मैं ईशा की नमाज के बाद अपने हुजरे में चला जाता था और दीवार के साथ एक लकड़ी गाड़ रखी थी, उसको पकड़ लेता और दाएं पैर पर खड़ा हो जाता, बायां पैर ऊपर उठा लेता और कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देता, अलहम्द से शुरू करता और बायां उठाया हुआ पैर जमीन पर उस वक्त रखता जब मैं बन्नास पर पहुंच जाता। और इस तरह मैंने 15 साल गुजारे, 11 साल तो रोजे भी रखे और रात को सारी रात इस तरह इबादत। लेकिन 11 साल के बाद 4 साल तक आपने दिन को रोजे नहीं रखे मगर सारी रात आपने कुरान शरीफ एक टांग पर खड़े होकर खत्म किया। जो भी हो सकता है कि दरमियान में आप कुछ रोजे छोड़ते रहे हो, तो इन 15 साल की मुद्दत में गोया 11 साल की मुद्दत दिन को रोजों में भी गुजरी और रात को सारी रात इबादत में भी गुजरी। बाहर सूरत आपने इतना मुजाहिदा और इतनी रियाजत की कि आप फरमाते हैं कि मैं सरापा नूर बन गया, मैं सरापा रूह बन गया। फिर मेरा खाना पीना अल्लाह की याद ही बन गया था, मुझे जाहिरी खुर्दो नोश की हाजत ही न रही। फरमाते 3 साल तक मुसलसल मैंने कुछ नहीं खाया। 3 साल के बाद हजरत खिजर अलैहिस्सलाम 2 रोगनी रोटियां और 1 दूध का प्याला लेकर आए और कहा कि हजरत ये खाइए, रोटियां खाइए और दूध पीजिए। फरमाया कि मैंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह के लिए मैंने सब कुछ तर्क कर दिया है। अब मेरा खाना पीना, मेरा मकसूद, मेरा मतलूब सिर्फ अल्लाह है। ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, बस अल्लाह की याद ही मेरा खाना है और अल्लाह की याद ही मेरा सोना है। मैंने अल्लाह के लिए बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस अल्लाह के लिए आपने छोड़ा है उसी अल्लाह का हुक्म है कि खाओ और उसी ने मुझे भेजा है। तो आपने फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो सर आंखों पर, मगर मैं उस वक्त खाऊंगा जब अल्लाह बराह रास्त मुझसे फरमाए। तुम दरमियान में निकलो, ये तालिबो मतलूब और आशिको माशूक मुहिबो महबूब का मसला है। तो फिर गैब से आवाजें आती थी, ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी मोहब्बत की कसम खा, तुझे मेरे हक की कसम पी। तो फिर आपने खाना पीना शुरू कर दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत
मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी हकीकत को एक शेर में पेश फरमाते फरमाते हैं, कसमे दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमे दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा जानने वाला तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। यहां मैं एक बात करता हूं, बाद लोग जब इस किस्म की बातें सुनते हैं तो वो ताज्जुब करते हैं, वो कहते हैं कि एक इंसान खाने पीने के बगैर नहीं रह सकता। तो गौसे आजम ने 3 साल बगैर खाए पिए कैसे गुजार दिए? तो असल में जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं वो आलम रूहानियत से और मकाम आते रूहानियत से ना वाकिफ है। मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग फरिश्ते खाते पीते हैं तो क्या वो खुदा है या खुदा के शरीक है? अल्लाह की मखलूक ही है ना, तो वो क्यों नहीं खाते पीते? इसलिए कि वो नूर है, वो रूह है, तो रूह को और नूर को इस जाहिरी खुर्दो नोश की हाजत नहीं है। तो याद रखो, जो अल्लाह ताला के बंदे कसरत से अल्लाह ताला की इबादत करके अपने आप को बशरी किसाफतों से और बशरी तकाजों से पार कर लेती है, उनकी हालत भी बिल्कुल फरिश्तों की सी हो जाती है। वो सराफा रूह और सराफा नूर बन जाती है, फिर उनको भी जाहिरी खुर्दो नोश की हाजत नहीं रहती। उनकी गिजा, उनका खाना पीना अल्लाह ताला की याद ही बन जाता है। इसी वास्ते किसी ने कहा है, फरिश्तों से अफजल है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। हम लोग जो मेहनत ही नहीं करते, मुजाहिदा और रियाजत ही नहीं करते, हम इस मंजिल को नहीं समझ सकते। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, मैंने 40 साल इबादत की, मुजाहिदा किया, रियाजत की, इतनी इबादत और रियाजत की कि मैं सराफा नूर बन गया, सराफा रूह बन गया, मुझे जाहिरी खुर्दो नोश की हाजत ही ना रही, और मेरी गिजा, मेरा खाना पीना अल्लाह की याद बन गया। फरमाते हैं 40 साल मुजाहिदे के बाद फिर मुझे महबूबियत का दर्जा मिला, मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर किया गया और इरशाद हुआ कि हमने तुझे अपना महबूब बना लिया, हमने तुझे अपनी महबूबियत से नवाजा। गौसे आजम फरमाती है, फिर हमारे सर पर महबूबियत का ताज रखा गया और हमारा शुमार अल्लाह ताला के महबूबों में हो गया। आइए मैं इसका सबूत अल्लाह ताला के फरमान से और नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से पेश करूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुन इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। उन मेरे हबीब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ लोगो अगर तुम अल्लाह को दोस्त महबूब बनाना चाहते हो या अल्लाह को महबूब रखते हो, फत्तबिउनी तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी अदाओं के सांचे में ढल जाओ, फिर क्या होगा, युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले।
पहले तो तुम अल्लाह को माबूद बनाना चाहते थे, लेकिन जब मेरे गुलाम बन जाओगे, मेरी अदाओं के सांचे में ढल जाओगे, तो फिर तुम्हें ये मकाम हासिल हो जाएगा कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। मालूम हुआ जो नबी करीम की गुलामी करती है, नक्शे कदम पर चलती है, हुजूर की इत्तबा करती है, वो अल्लाह ताला के महबूब बन जाती है। और सुनो, हदीसे कुदसी है जो सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल अब्दी, मेरा बंदा नफलों के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, फराइज भी अदा करता है, वाजिबात भी अदा करता है, सुनन भी अदा करता है और नवाफिल भी पढ़ता है, और नफलों के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। अब आप देखिए कि जो लोग सुन्नता ही नहीं पढ़ते, जो लोग सुन्नते ही नहीं पढ़ते, वो नफल क्या पढ़ेंगे। आजकल के ये बहुत से मौलवी तो सुन्नते ही नहीं पढ़ते, फर्ज पढ़े और भागे। कोई कहे जी सुन्नते पढ़ो तो कहते हैं पढ़े तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। तो जो सुन्नते ही नहीं पढ़ते, इन्होंने नफल क्या पढ़ने, नफल तो कोई पढ़ता ही नहीं। और अल्लाह फरमाता है, मेरा बंदा नफलों के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। सारी दुनिया सोई हुई होती है, महवे पाप होती है, मगर ये अल्लाह के बंदे अल्लाह ताला की मोहब्बत में सारी सारी रात नमाज पढ़ते रहते हैं, नफल पढ़ते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी शान में खुद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम, रहमान के बंदे रात गुजार देते हैं अपने रब के बाद, क्या करते हुए, सुज्जदम व कयामा, सजदा करते हुए और कयाम करते, सारी सारी रात नफल पढ़ते रहते, सारी सारी रात इबादत में गुजार देती। चुनाचे हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला ने 46 बरस ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, और सैयदना गौसे आजम के मुतल्लक में रात आपको बता चुका हूँ, गौसे आजम फरमाती है, मैंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और इन 40 सालों में 15 साल इस तरह गुजारे कि ईशा और फजर के दरमियान एक टांग पर खड़े होकर पूरा कुरान खत्म किया। अल्लाह तो हम लोग जो फर्ज भी नहीं पढ़ते इल्ला माशाअल्लाह, सुन्नतें भी नहीं पढ़ते, नफल भी नहीं पढ़ते, और सारी रात सो के गुजार देती है, निगाहें हमारी पाक नहीं, ख्याल हमारे दुरुस्त नहीं है, रोजी हमारी हलाल की नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह, शरीयत तो सुन्नत पर हम अमल नहीं करते, हम इन बुजुर्गान दीन की बातें सुनकर अगर नुक्ता चीनी करें तो ये हमारी हिमाकत नहीं है तो और क्या है। पहले हमें अपने अखलाक और अपने किरदार को देखना चाहिए, और फिर ये देखना चाहिए कि इन अल्लाह ताला के बंदों ने किस तरह जिंदगियां गुजारी कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उनको अपना महबूब बना ली। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल, मेरा बंदा नफलों के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। कुर्ब की मंजिलों पर फायद होता है, रोज बरोज तरक्की करता है, फिर कहां पहुंच जाता है, क्या बन जाता है। अल्लाह फरमाता है, हत्ता अहबबतुहु, यहां तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता। अल्लाह फरमाता है, मैं फिर उसको अपना महबूब बना लेता, क्या मतलब, पहले वो होता है मुहिब, फिर बन जाता है महबूब, पहले होता है तालिब, फिर बन जाता है मतलूब, पहले होता है साकिर, फिर हो जाता है मजदूर। अज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो ये अल्लाह वाले जब सारी जिंदगी अल्लाह की
حیات میں گزار دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کا چرچا کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے, پھر آج تک ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا. اللہ یا رسول, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ میں پھر اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو جو بندہ محبوب بن جاتا ہے پھر اس کو درجہ کیا ملتا ہے, یہ غور سے سنو. یہ کسی صوفی کا قول نہیں, کسی مجتہد کا قول نہیں, یہ اللہ کا فرمان ہے جو نبی کریم ہم تک پہنچا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فائدہ احببتہ, جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں, فکنت سماعہ الذی یسمع بہ, اللہ فرماتا ہے پھر اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے, وبصرہ الذی یبصر بہ, اور اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور اس کے پیر میں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے, وَفِي رِوَايَةٍ وَلِسَانَهُ الَّتِي يَتَكَلَّمُ بِهِ, اللہ فرماتا ہے پھر اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے, انسان نہ ہو, اور اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے. کیا ثابت ہوا؟ کہ جو بندے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہتے, فرائض بھی ادا کرتے ہیں, واجبات بھی ادا کرتے ہیں, سنن بھی ادا کرتے ہیں, نفل بھی پڑھتے ہیں, ساری ساری رات اللہ کی محبت میں جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں پھر ان کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں, اور جب وہ میرے محبوب بن جاتی ہیں تو محبوب بننے کے بعد ان کو یہ مرتبہ مل جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے پھر ان کے کان میں بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتی, اور ان کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتی ہے, ان کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس زبان سے وہ کلام کرتی ہے, ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ تصرف کرتی ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خدا کے بندے خدا بن جاتی, خدا نہیں بن جاتی, نہ بندے خدا بنتی ہے نہ خدا بندے بنتا ہے, بلکہ خدا تعالی کی صفتوں کے وہ مظہر بن جاتی ہے, پھر صفت ہی ہوتی ہے خدا کی اور ان کا ظہور ہوتا ہے بندوں کے ذریعے, وہ بندے اللہ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں. تو میرے دوستو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, یہ دونوں اللہ کا فرمان. ایک اور سنو, حضور فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ محبوب بنا دیتا ہے پھر اللہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنایا, تم بھی اس کو اپنا محبوب بناؤ, تو وہ بندہ پھر فرشتوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے. جب فرشتوں میں وہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی زمین کے روئے زمین کے مومنوں کو یہ فرماتا ہے, یعنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ اے میرے مومن بندو, میں نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا, تم بھی اس کو اپنا محبوب بناؤ. پھر وہ بندہ انسانوں میں اور مومنوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے. نبی کریم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو ساتھ قرآن کی آیت پڑھی. کون سی آیت پڑھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لہم الرحمن بٹا, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے نیک عمل کیے, سیجعلوا لہم الرحمن بٹا, ان قریب اللہ ان کے واسطے کر دے گا گڈ,
خود کے معنی محبت نبی کریم فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے فرشتوں کا بھی محبوب ہو جاتا ہے اور مومنین صالحین کا بھی محبوب ہو جاتا ہے گویا اس کی محبوبیت کا چرچا زمین پر بھی ہوتا ہے اور آسمان پر بھی ہوتا ہے تو میرے دوستو حضرت غوث اعظم انہی مومنین صالحین بندوں میں سے غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے بھی محبوبیت کا تاج بنایا پہنایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا اسی واسطے آپ کا لقب ہے محبوب سبحانی غوث اعظم کا کیا لقب ہے محبوب سبحانی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مجلس لگتی ہے جس مجلس میں روئے زمین کے اولیاء اللہ حاضر ہوتے ہیں اس روحانی نورانی اولیاء کی مجلس کی صدارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی تو جب اولیاء اللہ کی مجلس لگتی ہے تو شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتی ہے کہ غوث اعظم محبوب سبحانی نبی کریم کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نبی کریم کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں یہ دونوں محبوب ہیں ایک کا لقب ہے محبوب سبحانی دوسرے کا لقب ہے محبوب الہی یہ دونوں اولیاء کرام میں محبوب ہوئے ہیں محبوب آپ بتائیے جنہوں نے کبھی نبی کریم کی مجلس دیکھی ہی نہیں ہے جن کو یہ مرتبہ ہی حاصل نہیں ہے وہ ان باتوں کو کیا سمجھے یہ تو وہ اولیاء اللہ بیان کرتی ہے جن کو نبی کریم کی حضوری حاصل ہوتی ہے اور جو نبی کریم کی حضوری میں ان اولیاء اللہ کو دیکھتی ہیں یہ ان کا مقام ہے ان کی باتیں ہیں ہم چونکہ اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں ہم ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل حق اور سچ کہا ہے بلا شبہ ان محبوبان خدا بندی کا یہی مقام ہے تو میرے بزرگوں اور دوستوں جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا سننا میرا سن کیا مطلب کہ وہ بندہ اللہ کی عطا سے اللہ کے فضل سے اللہ کی صفت کا مظہر بن کے دور و قریب سے سننے لگ جاتا ہے کوئی جہاں سے بھی پکارے وہ سنتا ہے کوئی کراچی سے کہے یا غوث وہ سنتے ہیں کس طرح سنتی ہے اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو ان کا سننا میرا سننا ان کی سننے کی صفت میں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتے ہیں وہ خدا نہیں بن جاتے خدا کی صفتوں کے مظہر بن جاتے پھر وہ دیکھتے ہیں ہر جگہ کس طرح دیکھ لیتے ہیں اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو شک نہ کرو ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے وہ میری صفت کے مظہر بن کر دور و قریب ہر جگہ دیکھتے ہیں اسی واسطے سیدنا غوث اعظم کا شعر ہے قصیدہ غوثی کا فرماتے ہیں نظر کو الہ بلا دن لاہ جمان کا ہر طلعت نالا حکم اتصالی غوث اعظم فرماتے ہیں میں خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میری اکیلی پر رائی کا دانا پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں کوئی تعجب نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان کا دیکھنا میرا دیکھنا اللہ فرماتا ہے وہ بشری آنکھ سے نہیں دیکھتے وہ میرے ساتھ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے مظہر اعظم بن جاتے ہیں اور ان کا بولنا رب کا بول رب نہیں بن جاتے بلکہ رب کی صفت کے مظہر بن جاتے ہیں چنانچہ میں اس بات کو ایک مثال سے سمجھاؤں بعض لوگوں کو جن چمٹ جاتا ہے جن یا
ये एक हकीकत है जो कुरान से साबित है। बाद इंसानों पर जिन का असर हो जाता है, जिन का गलबा हो जाता है, जिन किमर जाता है, तो बोलो जब उस बंदे को दौरा पड़ता है तो वो बंदा बोलता है तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं जिन बोल रहा, जिन बोल रहा। हालांकि मुंह बंदे का, जुबान बंदे की, आवाज बंदे की, और बोलता कौन है, जिन। तो क्या वो बंदा जिन बन जाता है या जिन बंदा बन जाता है? नहीं, बंदा बंदा है, जिन जिन है। बंदा जिन से इंसानियत में से निकलकर जिन्नों की जिनस में नहीं चला जाता, और जिन जिन्नों की जिनस में से निकलकर बंदों की जिनस में नहीं आ जाता। बंदा बंदा है और जिन जिन है, मगर हुआ क्या, जिन ने बंदे पर गलबा किया। जब जिन का बंदे पर गलबा हो गया, असर हो गया, तो उस जिन ने बंदे की सिफत को मगलूब कर दिया और अपनी सिफत को गालिब कर दिया। फिर सुभान उस बंदे की बोलता जिन है, तो मौलाना रूम मसनवी शरीफ में फरमाती है कि जिन अल्लाह की एक मखलूक है, जब उसके असर और गलबे का ये हाल है, जाती है उन पर खुदा ताला का असर और गलबा हो जाता। अल्लाह मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आरिफों के बादशाह हुए, उनकी मसनवी शरीफ के मुतल्लक बुजुर्गों का ये कहना है, हस्त कुरान कर जुबाने पहलवी, यानी उनकी मसनवी गोया फारसी जुबान का कुरान है। तो उस मसनवी शरीफ में वो क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि गुफ्ता गुफ्ताए अल्लाह को बद करके आगे हलकों में अब्दुल्ला को बद। फरमाते हैं फिर उस बंदे का कहना अल्लाह का कहना हो जाता, वो बंदा अल्लाह नहीं बन जाता, रेता अब्दुल्ला ही है, आवाज अब्दुल्ला की अलग से निकलती है, मगर वो बोलने वाला अल्लाह हो जाता है। गोया सुबार बंदे की होती है, मगर कलाम करने वाला अल्लाह होता है। जैसा कि जुबान बंदे की और बोलने वाला जिन, जब एक मखलूक के गलबे का ये हाल है तो खालिक के गलबे का क्या हाल होगा। तो जो इन मकामात को नहीं समझते वो इन बातों को भी नहीं समझ सकते। देखो ना, मैं एक जाहिरी बात करता हूं, जिस शख्स को जिन चिमटा ही नहीं है वो क्या समझ सकता है? है जिस पर जिन का असर है, जिस पर जिन का गलबा है, जिसको जिन चिमटा हुआ है, वो तो वो जो कुछ देखता है, जो उसकी आदत है, दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरा उस वक्त समझेगा जब उसको भी जिन चिमटेगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरह जिन लोगों पर अल्लाह का असर और गलबा हो गया, जो अपनी हस्ती को मिटाकर अल्लाह की जात सिफात में फना हो गए, फानी ये फिल्ला और बाकी ये बिल्ला हो गए, जो उनकी कैफियत है वो दूसरों की समझ में नहीं आ सकती। ये एक हाल है जो काल में नहीं आ सकता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी वास्ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है, फरमाती है पाक लोगों के हालात और मामलात को अपने ऊपर कयास न करो, क्योंकि तुम्हें तो उनके मकाम की हवा नहीं लगी, तुम उनके मकाम को नहीं जानते हो। जो आंखें अल्लाह ने उनको अता फरमाई है वो तुम्हें अता नहीं हुई। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि इन अल्लाह वालों के हालात और मकामात को दिलो जान से माने कि जो इनका मकाम है वो हमारा मकाम नहीं है। मैं बयान ये करना चाहता हूं कि जो अल्लाह ताला के महबूब बन जाते हैं, फिर महबूबियत का समरा नतीजा मर्तबा उनको ये मिलता है,
कि उनका देखना रब का देखना, उनका सुनना रब का सुनना, उनका बोलना रब का बोलना, उनका तसर्रुफ करना रब का तसर्रुफ करना, वो रब नहीं बन जाते, रब की सिफतों के मजहर बन जाती। अब मैं इसका थोड़ा सा पहले सबूत पेश करूं कुरान करीम से, और फिर आपको बताऊं कि औलिया अल्लाह से जो करामात का जहूर होता है वो बिल्कुल हक है, जो नहीं मानते वो असल में औलिया अल्लाह के मकामात से ना वाकिफ। कुरान से इसका सबूत पेश करूं ताकि किसी को इनकार की जुरत ना हो। बारहा आपने सुना हुआ है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना था और आपने रूए जमीन पर हुकूमत की है। आपके जमाने में जमीन के किसी टुकड़े पर किसी और की हुकूमत नहीं। शुरू में एक टुकड़ा ऐसा था, एक रियासत ऐसी थी कि उस रियासत पर एक औरत हुकूमत करती, उस औरत को कहते हैं मलकाए सबा। मुफस्सरीन ने उसका नाम लिखा है बिलकीस, वो औरत हुकूमत करती, बाकी सब सुलेमान अलैहिस्सलाम की। एक रियासत ऐसी थी कि वो औरत हुकूमत करती, और वो औरत, उस औरत की कौम सूरज की पूजा करती, सूरज को खुदा मानते। जब सुबह सूरज निकलता तो सारे सजदे में गिर जाते कि हमारा खुदा निकल आया। जब सूरज गुरूब होने लगता तब भी उसको सजदा करते कि ऐ हमारे खुदा, अब तू हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, तुझे सजदा कर रहे हैं, जब तू फिर निकलेगा फिर करें। सूरज को खुदा मानते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको खत लिखा कि तुम मेरे मुती हो जाओ और मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ और मेरे मुती हो जाओ, मेरे होते हुए हुकूमत मत करो, और मुसलमान हो जाओ, सूरज की पूजा छोड़ दो, खुदा की पूजा करो। उसको खत लिखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसको खत लिखा। और ये आपने सुना होगा, कुरान में पढ़ा होगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों को भी, जिन्नों को भी, परिंदों को भी, यहां तक के हवा को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। सारे जिन मुती थे, सारे इंसान, सारे परिंदे, और हवा भी चलती थी तो आपके हुक्म से चलती थी, ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। तो आपने खत लिखा और एक परिंदे को कहा कि जाओ उस मलका तक पहुंचा। वो मलका अपने महल में सोई हुई थी, तो परिंदा गया, उसने रोशनदान से अंदर दाखिल होकर उस सोई हुई मलका के सीने पर जाकर खत रख दिया, और फिर उड़कर रोशनदान पर आकर बैठ गया। जब उस औरत ने खत ले लिया तो परिंदा वापस आ गया कि भाई खत पहुंच गया। तो उस खत में यह लिखा हुआ था, इन्नहु मिन सुलेमाना وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ بَعْثُونِي مُسْلِمِينَ। یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ اس خط کا مضمون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس خط کو اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے، اور مطلب یہ ہے اس خط کا کہ اللہ تعالی علیہ، میرے ہوتے ہوئے بلندی نہ چاہو، مجھ پر بلندی نہ چاہو، فاتونی مسلمین، بلکہ مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ جس وقت خط پہنچا اس عورت نے اپنی کابینہ کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو، جو لوگ تھے اس سے جن سے وہ مشورہ کرتی تھی ان کو بلایا، کہنے لگی یہ سلیمان علیہ السلام کا خط میری طرف آیا تو کیا کریں۔ وہ جو فوجی جرنیل کرنیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مطیع ہونے کی کیا ضرورت ہے،
हम उनकी इताअत कबूल नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हमारे पास कुव्वत है, ताकत है, असला है, फौज है, सामान है। औरत बड़ी समझदार, औरत ने कहा, जरा का आवाज कम रख, औरत ने कहा कि मार खा के पसलियां तुड़वा के जो मानोगे तो पहले ही मर जाओ। इतनी समझदार औरत। और इतने का मार खा के हड्डियां पसलियां तुड़वा के फिर जो मानोगे तो पहले ही बाइज्जत तौर पर मान जाओ। हम मुकाबला नहीं कर सकते सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो बहुत बड़े बादशाह है, रूए जमीन पर उनकी हुकूमत है, सिर्फ ये एक टुकड़ा हमारे पास है। और जिन उनके मुती हैं, इंसान उनके मुती हैं, परिंदे उनके मुती हैं, तो हम तो छोटी सी हुकूमत है, हमारी रियासत है, तो हम मुकाबला तो कर नहीं सकते। तो सुलेमान की फौजें मार मार के कचूमर निकाल दें, तो मार खा के हड्डियां पसलियां तुड़वा के अपने आप को बर्बाद करवा के जो मानोगे तो बाइज्जत तौर पर पहले ही मान जाओ, सबकी इज्जत भी महफूज, जान भी महफूज, माफ भी। उन्होंने कहा कि जिस तरह तू कहे, कहने लगी ठीक है, बेहतर यही है कि उनकी इताअत कबूल कर लो और अपनी शिकस्त का एतराफ कर। चुनाचे उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब लिखा कि हजरत आपका खत मुझे पहुंचा, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होती हूं और हाजिर होकर मुसलमान होता हूं, मैं आपकी इताअत कबूल करता हूं और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रही हूं मुसलमान होने के वास्ते। चुनाचे वो अपने मुल्क से चल पड़ी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने के लिए और पास आकर मुसलमान होने के लिए चल पड़ी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, आपने अपने दरबारियों से फरमाया, ये कुरान पाक में अल्लाह बयान फरमाता है, किसी सूफी का कौल नहीं है, किसी मौलवी मुल्ला का कौल नहीं है कि कोई कहे मैं नहीं मानता, अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है और अल्लाह ताला एक वाक्य की खबर दे रहा है और अल्लाह जिस वाक्य की खबर देता है वो सच्चा वाक्य होता है और अल्लाह किसी खबर में कमी बेसी नहीं करता कि अपनी तरफ से उसको बढ़ा चढ़ा के बयान कर दे या छोटा करके। अल्लाह ताला की हर खबर और हर बयान हकीकत पर मबनी होता है जिसके अंदर बाल के बराबर भी फर्क नहीं होता। ये तो इंसान की आदत है कि इंसान किसी बात को बयान करे तो बढ़ा चढ़ा के बयान कर दे या घटा के बयान करे। अल्लाह जब किसी वाक्य की खबर देता है तो वो सच्ची खबर होती है जिसमें बाल बराबर भी फर्क नहीं होता। तो देखो अल्लाह उस वाक्य की खबर देता है। अल्लाह फरमाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, आपके दरबार में वो जरा उमरा रुआसा उलमा फुजला हाजिर थे। इतना बड़ा आपका तख्त था कि आपके तख्त के ऊपर आपके बैठने की जगह बनी हुई थी वो अलग थी, सामने 300 कुर्सियां बनी हुई थी तख्त के ऊपर ही, और वो कुर्सियां काहे की थी, सोने चांदी की, उन पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे और वो तख्त के ऊपर इस तरह चढ़ी हुई थी, इस तरह बनाई हुई थी कि अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तो अंदाजा करो जिस तख्त के ऊपर 300 कुर्सियां पड़ी हुई थी सोने चांदी हीरे जवाहरात की और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बैठने की जगह अलग थी तो कितना अजीम शान तख्त होगा, क्योंकि आपकी रूए जमीन पर हुकूमत है। सोने की ईंटें इस तरह पड़ी हुई थी जिस तरह हमारे यहां ये रेती और सीमेंट के बलाक पड़े होते, तो चोरी किसने करनी थी, सारी रूए जमीन पर तो हुकूमत। और फिर एक और बात, सिर्फ इंसान ही नहीं जिन भी मुती, तो जो इस किस्म का बादशाह के जिन भी मुती, इंसान भी मुती, परिंदे भी मुती, हवा भी मुती, वो चोरी किसने करनी थी, किसी की शामत आई हुई थी जो चोरी करता, तो बड़ी अजीम शान हुकूमत थी। क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत अता फरमा के ऐसी हुकूमत मेरे पास किसी को न मिले। कुरान पढ़ते थे
رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. اے میرے رب مجھے ایسی حکومت اور سلطنت عطا فرما, مجھے ملک عطا فرما, ایسی حکومت سلطنت میرے بعد کسی کے واسطے لائق اور مناسب نہ ہو. تو اللہ نے ان کو حکومت عطا فرما. لیجئے صاحب, ملکہ وہاں سے چل پڑی. کتنا فاصلہ تھا؟ ایک مہینے کے جانے کا فاصلہ تھا اور ایک مہینے کے آنے کا, کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز یا کاریں وغیرہ نہیں, سواریاں کیا تھیں؟ اونٹ گھوڑے, یا لوگ پیدل چلتے تھے. اگر کوئی پیدل چلے تو ایک مہینے کا راستہ تھا, ایک مہینے کے بعد وہاں پہنچتا جہاں وہ ملکہ رہتی. وہ چل پڑی, وہ اپنے ملک سے چل پڑی. ادھر سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یا ایہا الملاؤ, اے میرے درباریوں, ایوکم, کون ہے تم میں, یا تینی بے عرشہا, اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے, قبل یا تونی مسلمین, قبل اس کے کہ وہ میرے پاس آ کر مسلمان ہو. میرے درباریوں, تم میں کوئی ایسا ہے؟ کون ہے تم میں جو اس ملکہ کے یہاں پہنچ کر مسلمان ہونے سے پہلے اسی کا تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ تو آپ سن چکے ہیں, فاصلہ کتنا تھا؟ ایک مہینے کے جانے کا, ایک مہینے کے آنے. اب یہ بھی سنو, تخت کتنا بڑا تھا؟ 70 گز لمبا اور 40 گز چوڑا. یہ اس ملکہ کا تخت, یہ آپ کا روڈ جو ہے یہ 40 گز نہیں ہوگا. 40 گز کا مطلب یہ ہے 120 فٹ. یہ 120 فٹ چوڑا نہیں ہے, میرا خیال ہے کم. اور لمبا کتنا تھا تخت؟ 70 گز. تو 70 گز کے آپ فٹ بنائیے تو کتنے بن گئے؟ 210. 210 فٹ لمبا اور 120 گز, 120 فٹ چوڑا وہ تخت تھا. اور وہ اس ملکہ کو جو تخت تھا وہ کوئی پلاسٹک کا نہیں بنا ہوا تھا, وہ بڑی بھاری وزنی لکڑی, اس پر منو لوہا, منو چاندی, منو سونا لگا ہوا تھا. اور کاریگروں نے اس کے پائے زمین میں گڑے ہوئے تھے, اور اس کے تین طرف سیڑھیاں تھیں, لوگ سیڑھیاں چڑھ کر اس تخت پر جاتے ہیں. وہ ملکہ اس تخت پر بیٹھ کے حکومت کرتی تھی, عدل کرتی. کتنا بڑا تخت اور اتنا بھاری تخت تھا کہ 500 آدمی مل کر اس کو ہلائے تو شاید وہ ہلے مگر اٹھے نہیں, کیونکہ زمین میں اس کے پیر کھڑے ہوئے تھے, مستحکم کیے. اور سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو فرماتے ہیں, میرے درباریوں, کون ہے جو اس تخت کو میرے پاس لائے؟ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا. قال عفریت من الجن, ایک بڑا طاقتور جن بولا. پہلے بولو کون بولا؟ جن. بڑا جو ہے کل جن وہ بولا, انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اللہ فرماتا ہے اس جن نے کہا کہ اے میرے آقا سلیمان, میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں. کتنی دیر میں؟ جن نے کہا یہ جو آپ کا دربار لگا ہوا ہے اسی طرح لگا رہے, آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوں گے, یہ سارے درباری بھی بیٹھے ہوں گے, ابھی آپ کا دربار برخاست نہیں ہوگا, میں تخت لے کر آ جاؤں گا. اور یہ بھی اس نے کہا کہ میں امانت داری کے ساتھ تخت لاؤں گا, یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی چوری ووری کر لوں, کہ راستے میں کوئی ہیرا نکال لوں یا کوئی یاقوت نکال لوں یا کوئی تھوڑا سا سونا اتار لوں. بالکل امانت داری کے ساتھ میں اس تخت کو لے آؤں گا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی کمزور نہیں ہوں,
فَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ نَامِي میں اس تخت کے لانے میں قوت رکھتا ہوں بلا یہ سمجھو کہ شاید راستے میں میں تھک جاؤں اور رکھ کے بیٹھ جاؤں تو پھر کوئی اٹھانے والا ہی نہ ہو اتھے ہی تخت پیارنگ ہے نہیں نہیں قوت بھی رکھتا ہوں طاقتور اور امانت دار بھی ہوں اس میں چوری ووری نہیں کروں یہ کس نے کہا بولو جن نے اور بیان کون کر رہا ہے اللہ کہ جن نے یہ کہا جن نے کہا حضرت میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی کوئی اور بھی ہے جو اس سے پہلے لے آ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب پھر وہ کلا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا وہ کون تھا وہ انسان پہلے جن بولا تھا اب کون بولا انسان اور وہ نبی نہیں تھا ولی تھا کیونکہ نبی اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام وہ آپ کا درباری تھا آپ کا امتی تھا آپ کا سیابی تھا اس کا نام تھا آصف بن برخیا آصف ان کا نام تھا اس کے باپ کا نام تھا برخیا وہ بولا مفسرین لکھتے ہیں اس کو اسم اعظم یاد وہ بولا اور بول کر کیا کہنے لگا انا آتی کبھی اے میرے آقا سلیمان میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی سلیمان علیہ السلام کا امتی اور درباری کہنے لگا قبل ارتد الیک طرفک حضرت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا ذرا غور کرو اس نے یہ نہیں کہا اللہ یہاں پہنچا دے گا میں دعا مانگتا ہوں کوشش کرتا ہوں نہیں قرآن کے الفاظ سے آنا آتی کبھی وہ اللہ کا ولی کہتا ہے میں لاتا ہوں اس کو آپ کے پاس قبل ان یرتد الیک طرفک آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اور وہ کیا کہتا ہے میں لاتا ہوں اور لانا بغیر جانے کے نہیں ہو سکتا اس نے کہا میں اس تخت کو لاتا ہوں میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لاؤ اس نے کہا دیجئے پڑا اللہ فرماتا ہے فلما راہ مستقرا عندہ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تخت ان کے پاس پڑا ہوا تو تخت دیکھ کر کیا کہا قال ھذا من فضل ربی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے ذرا غور کرنا سلیمان علیہ السلام نے اس سے یہ نہیں فرمایا بھائی تو گیا کب پہنچا کب اٹھایا کیسے لایا کیسے ملکہ تو وہاں سے چل پڑی ہے اس کی رعایا تو وہی ہے فوجیں تو وہی ہیں اور تو کوئی چھوٹی موٹی چیز اٹھا کے نہیں لایا ملکہ کا تخت اٹھا کے لایا تجھے کسی نے روکا نہیں اور ہم نے تو تجھے یہاں سے جاتے ہوئے غائب ہوتے دیکھا ہی نہیں تو یہ تخت کیسے آ گیا تو چاہیے تھا نا پوچھ گچھ کرتے تحقیق کرتے تفتیش کرتے لیکن آپ نے نہ تحقیق کی نہ تفتیش کی نہ پوچھ گچھ کی بلکہ فرمایا ھذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل کیوں نہیں تحقیق کی اور میں اس کی وجہ بتاؤں اگر سلیمان علیہ السلام تحقیق کرتے تفتیش کرتے پوچھ گچھ کرتے تو اس ترقی یافتہ دور میں پڑھے لکھے حضرات جو بال کی کھال اتارتے ہیں اور بات بات سے نکتے نکالتے ہیں انہوں نے یہ کہنا تھا کہ معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کرامت کی حقیقت کو نہیں جانتے تبھی تو انہوں نے اتنی پوچھ گچھ کی
अगर करामत की हकीकतों को जानते होते तो इतनी तहकीक क्यों करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तहकीक नहीं की, क्यों? तहकीक वो करता है जो बेखबर होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो सारी खबरें जानते थे, उनको सब कुछ मालूम था। उन्होंने फरमाया कि ये अल्लाह ताला का फजल है। अल्लाह ताला जिस बंदे पर अपना फजल कर देता है वो बंदा अल्लाह की सिफतों का मजहर बन जाता है। फिर उसकी शान ये होती है कि इतना बड़ा तख्त इतनी दूर से पलक झपकने से पहले ला सकता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे रब का फजल है। क्या मतलब? कि लोगों मेरे रब का फजल देखो और अंदाजा करो कि जिस बादशाह के दरबारियों की ये शान है, जिस आका के गुलामों की ये शान है, खुद उसके आका की क्या शान हो। तो मेरे रब का फजल देखो। और ये भी बता दिया कि ये कोई जादू नहीं, कोई टोटका नहीं, कोई तलिस्म नहीं, कोई शोभ का नहीं, ये मेरे रब का फजल है। जिन पर अल्लाह ताला का फजल हो जाता है वो इस किस्म की करामतें दिखाया करती हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कोई अल्लाह का बंदा आंख झपकने से पहले इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त ला सकता है? किसी इंसान की ये ताकत है? नहीं। और कुरान से ये साबित है कि वो अल्लाह का बंदा लाया। अल्लाह ने बयान फरमाया कि वो लाया आंख झपकने से पहले। तो अब बोलो कैसे ले आया, किस तरह इस पर ईमान रखोगे? उसी तरह जिस तरह मैं कहता हूं, हमारा ईमान है। वो ले आया, किस तरह ले आया? अल्लाह फरमाता है शक ना करो, ताज्जुब ना करो, जो बंदा मेरा महबूब बन जाता है उसके हाथ मैं बन जाता हूं। हाथ उसके होते हैं, कुव्वत मेरी काम करती है। तो जब अल्लाह ताला की कुव्वतें काम करती है तो बोलो अल्लाह आंख झपकने से पहले ला सकता है या नहीं ला सकता? अल्लाह ला सकता है। और अल्लाह फरमाता है उसका लाना या मेरा लाना, क्योंकि उसके हाथ मेरे हाथ, उसका देखना मेरा देखना, उसका सुनना मेरा सुनना, अब वो मेरी सिफत का मजहर बन गया। कुव्वत मेरी होती है, कुदरत मेरी होती है, सिफत मेरी होती है, मगर उसका जहूर मेरे बंदे से होता। वो बंदा मेरी सिफत का, मेरी कुदरत का मजहर बन जाता। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली आंख झपकने से पहले इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त ले आए, और नबी करीम की उम्मत का वली बल्कि वलियों का सरदार गौसे आजम बगदाद में बैठे बैठे समुंदर में डूबते जहाज को पार नहीं लगा सकते? क्या गौसे आजम समुंदर में डूबते जहाज को पार नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उनका देखना मेरा देखना, उनका सुनना मेरा सुनना, हाथ उनके होते हैं, कुव्वत मेरी काम करती। अल्लाह अब सुनो गौर से, हम तो मानते ही हैं, मुखालिफ भी मानते हैं, उनके बड़े मानते थे, ये अलग बात है कि छोटे मुनकर हो गए। मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने लिखा है इमदादुल मुश्ताक किताब के अंदर, लिखते हैं कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला नो बगदाद शरीफ में अपने उजरे में बैठे हुए, बैठे बैठे आपका चेहरा सुर्ख हो गया। हाजरीन ने ख्याल किया कि जरूर कोई बात है कि हजरत जलाल में आपके चेहरे पर जलाल है और सुर्खी। थोड़ी देर के बाद हजरत पहली हालत पर आए तो हाजरीन ने पूछा हुजूर क्या बात थी? फरमाया तुम्हारे पीर भाई जहाज में बैठे हुए आ रहे थे, जहाज तूफान की सत में आ गया और
डूबने के बिल्कुल करीब हो गया तो जहाज में बैठे हुए मेरे मुरीदों ने मुझे पुकारा, मुझसे मदद मांग। तो दोस्तों बज़ाहिर में तुम्हारे पास बैठा हुआ था बाबा दिन अल्लाह की दी हुई कुदरत से, रूहानी कुदरत से उस डूबते जहाज को बाहर लगा रहा था। जहाज तूफान से निकाल दिया। हजरत मौलाना जमीलुर रहमान साहब रज़वी फरमाते हैं, जहाज़े ताजिरा गर्दाब से फौरन निकल आया, जहाज़े ताजिरा गर्दाब से फौरन निकल आया। वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का, वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया या गौसे आजम का, तो गौसे आजम ने डूबते जहाज को पार लगा दिया। कैसे लगा दिया? ताज्जुब न करो, अल्लाह फरमाते उनका देखना मेरा देखना, उनका सुनना मेरा देखना, उनका तसर्रुफ करना मेरा तसर्रुफ करना। अरे हाथ उनके होते हैं, कुव्वत खुदा की काम करती। नहीं नहीं, मैं एक ऐसी बात करता हूं मजा ही आ जाए। गौसे आजम को तो सारा जहान गौसे आजम मानता है, पीरों का पीर मानता है, कुतुबों का कुतुब मानता है, शहबादे लामकानी मानता है, महबूबे सुबानी मानता है। गौसे आजम की तो बड़ी शान है। नहीं, तुम जरा आगे बढ़ो। और ये जो सदी थी ना, चौदहवीं सदी, इस चौदहवीं सदी के शुरू की बात, हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजरे मक्की, तकरीर तैयब हो रही है, मैं फिर नहीं सकता, मुकर नहीं सकता। हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजरे मक्की कौन थे? मौलवी अशरफ अली साहब थानवी के थे। मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी बानिए मदरसा देवबंद के पीर, मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई के पीर, मौलवी खलील अहमद साहब अम्बेठवी के पीर, ये चार मौलवी देवबंद के सबसे बड़े मौलवी हैं, इनके वो पीर थे। और इन चारों को पीर साहब ने इजाजत खिलाफत अता फरमाई थी और आज तक पीरी मुरीदी का सिलसिला चल रहा। और जो मैं बात सुनाने लगा हूं, इस बात को मौलवी अशरफ अली साहब थानवी ने भी लिखा, इस बात को गंगोई साहब ने भी लिखा के मुतल्लक, हाजी इमदादुल्लाह साहब के मुतल्लक मौलवी अशरफ अली साहब थानवी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गौर से सुनो। लिखते हैं कि हमारे पीर भाई जहाज में बैठ कर जा रहे थे हज करने के लिए, जहाज में, और जहाज जो था वो तूफान की जद में आ गया। यहां तक कि जहाज का कप्तान जो था उसने खतरे का बिगल बजा दिया और कहा कि लोगों, अब जहाज मेरे इख्तियार से बाहर है, जहाज डूबने के बिल्कुल करीब है, हम लोग जितने जतन कर सकते थे हम कर चुके, अब हम बेबस हो गए, हमें कोई सूरत नजर नहीं आती कि जहाज बच जाए। तो तुम लोग दुआ मांगो, अल्लाह को याद करो, बस यही अब सूरत हो सकती है, अल्लाह ही बचा सकता है, वरना बज़ाहिर कोई बचने की सूरत नहीं। थानवी साहब लिखते हैं कि हमारे पीर भाई जो बैठे हुए थे ना जहाज में, उन्होंने जहाज में बैठे बैठे अपने पीर की तरफ तवज्जो की, अपने पीर हाजी इमदादुल्लाह साहब की तरफ तवज्जो की और कहा कि आपका नाम है इमदादुल्लाह, आप मदद करो, डूबते जहाज को बचाओ। कब मदद करोगे? जब डूब जाएंगे। मदद करो और हमें डूबने से बचाओ। थानवी साहब कहते हैं मेरे पीर भाइयों ने पीर साहब की तरफ तवज्जो की।
की और उनसे कहा मदद मांगी। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ? कहते हैं उन्होंने देखा कि एक तरफ हाजी साहब थे, वही पीर साहब, दूसरी तरफ एक बतौर बुजुर्ग है जिनका नाम था हाफिज दामिन साहब। इन दोनों को देखा कि दोनों जहाज को कंधा दिए हुए जहाज को तूफान से निकाल रहे थे और जुबान से फरमा रहे थे घबराओ नहीं, मैं आ गया हूं। चुनाचे थानवी साहब लिखते हैं कि उन्होंने कंधा दे के जहाज को तूफान से निकाल दिया। किन्होंने? एक अजीम दादुल्ला साहब ने, एक हाफिज दामन साहब, दोनों पीरों ने कंधा दे के जहाज को निकाल दिया। तूफान जहाज पार लाके तूफान से निकल गया और डूबने से सब बच गए। अभी बात खत्म नहीं हुई, इधर तो जहाज बच गया, नजर भी आए और उधर देखो, उधर हाजी साहब अपने उजरे से बाहर निकले तो अपने एक मुरीद से खातिम से कहा कि ये मेरे कपड़े धो दो, कपड़े गीले थे। उस मुरीद ने कहा हजरत जी इन कपड़ों से तो समुंदर के पानी की बसांत आ रही है। बसांत कहते हैं बू को, समुंदर के पानी की बसांत यानी बू आ रही है। तो आप तो समुंदर में गए नहीं है, गुजरे में ही बैठे रहे हैं, तो कपड़े कैसे भीग गए? उन्होंने कहा तुम ये बातें मत पूछो, मैं कपड़े दो। बहुत अच्छा जी, और सुनो, दो दिन जो गुजरे तो एक आदमी पीर साहब को जरा दबाने लगा, मुट्ठी चाबी करते हैं आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मुट्ठी चाबी बोलते हैं। और एक मुरीद पीर साहब की मुट्ठी चाबी करे, जहां कंधे पर जब पहुंचा ना तो कंधे पर जख्म था। पीर साहब ने कहा यहां ना दबाओ, यहां जख्म है। मुरीद ने कहा हजरत जी आप तो कहीं गए आए नहीं, तो ये जख्म कैसे हो गया? फरमाया तुम्हारे पीर भाइयों का जहाज पानी में डूब रहा था और मैंने कंधा दे के उसको डूबने से बचाया तो जहाज की रगड़ लग गई है, उस जहाज की रगड़ की वजह से ये मेरे कंधे पर जख्म हो गया। ये थानवी साहब ने खुद बयान किया और किताब में लिखा। एक शख्स ने जो उस वक्त मौजूद था जब थानवी साहब ने एक वाद में इसको बयान किया अपने पीर की करामत को, तो एक आदमी ने कहा कि जनाब ये बात तो अकल में नहीं आती। तो थानवी साहब कहते हैं तुम्हारी अकल में नहीं आती या हमारी अकल में नहीं आती? अगर तुम्हारी अकल में नहीं आती तो ना आए, हमारी अकल में तो आती, और अगर कभी समझना चाहोगे तो हम समझा देंगे। अब ये बात थानवी साहब ने लिखी, जो कुछ उन्होंने लिखा वो उनकी गर्दन पर, उनके सर पर उन्होंने सच लिखा या झूठ लिखा या जो कुछ भी है, इससे बहस नहीं। बहस ये है कि मौलवी अशरफ अली थानवी अपने पीर की करामत बयान करते हैं कि उन्होंने डूबते जहाज को कंधा दे के पार लगा दिया। हम ये पूछते हैं कि अगर तुम्हारा 14वीं सदी का पीर डूबते जहाज को पार लगा सकता है तो जो पीरों का पीर है और गौसों का गौस है क्या वो नहीं लगा सकता? अल्लाह यार। और दूसरी बात हम ये पूछते हैं कि तुम लोग दिन रात तकरीरें करते फिरते हो कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, तो तुम्हारे पीर भाइयों ने जहाज के डूबते वक्त जो गैर उल्लाह से मदद मांगी, पीर से मदद मांगी, बोलो वो भी मुशरिक हुए या नहीं हुए? कि फतवे साडे ही वास्ते रखे हुए जे, वो कि साडे हालते रहम करो, असा तुहाडा की बिगाड़िया है? हैं? हम बुजुर्गान दीन की मोतबर किताबों के हवाले पेश करती है, वो हवाले पेश करती है जिनको तुमने भी लिखा है, तो हम तो फिर जनाब पीर परस्त हो गए, कब्र परस्त हो गए, मुशरिक हो गए, गैर उल्लाह से मदद मांगने वाले हो गए। और तुम अगर अपने पीरों की करामतें लिखो कि उन्होंने डूबते जहाजों को पार लगा दिया, देखा भी गया, कपड़े भी भीगे, रगड़ा भी आईया,
ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ, ਜਿਸਕਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਤੁਮ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਰੇ ਜਿਨ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਉਨਕੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਹੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੋ ਗੈਰ ਉੱਲਾ ਸੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਅਗਰ ਗੈਰ ਉੱਲਾ ਸੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਹੋ। ਸ਼ਿਰਕ ਕੇ ਫਤਵੇ ਸਿਰਫ ਹਮਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਣੋ, ਗੌਰ ਸੇ ਸੁਣ, ਉਸੀ ਕਿਤਾਬ ਇਮਦਾਦੁਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮੇ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਏਕ ਜੁਲਾਹਾ ਮੁਰੀਦ ਥਾ। ਜੁਲਾਹਾ, ਜੁਲਾਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀ ਬੁਣਦੇ ਹੈ, ਕਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਕਹਿਤੇ। ਤੋ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾ ਏਕ ਜੁਲਾਹਾ ਮੁਰੀਦ ਥਾ, ਤੋ ਵੋ ਰੋਟੀਓ ਸੇ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਥਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਠੀਕ, ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੋਟੀਓ ਸੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਬਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕਰ ਕਬਰ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ, ਮੈਂ ਤੋ ਰੋਟੀਓ ਕਾ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀਓ ਸੇ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਦਸਤਗੀਰੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਮੁਰੀਦ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬਰ ਪਰ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਬਰ ਪਰ। ਔਰ ਕਬਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬੇ ਕਬਰ ਸੇ। ਔਰ ਵੋ ਕਿਸਕੀ ਕਬਰ ਥੀ? ਹਾਜੀ ਇਮਦਾਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਜਰ ਮੱਕੀ ਕੀ ਪੀਰ ਕੀ ਕਬਰ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇ ਛਾਇਆ। ਜਬ ਉਸਨੇ ਕਬਰ ਪਰ ਜਾ ਕਰ ਫਰਿਆਦ ਕੀ ਤੋ ਸਾਹਿਬੇ ਕਬਰ ਰਾਤ ਕੋ ਖਵਾਬ ਮੇ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਹ ਹਮਾਰੀ ਕਬਰ ਪਰ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਪੈਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਕਪੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੋ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਨੀਚੇ ਦੋ ਆਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾ ਕਰੇ, ਦੋ ਆਨੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਮ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਯੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਬਕੇ ਦੋ ਆਨੇ ਐਸੇ ਥੇ ਜੈਸੇ ਆਜ ਕੱਲ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਦੋ ਆਨੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਤੇ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੋ ਥਾਨਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਨੇ ਉਸ ਜੁਲਾਏ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਤੋ ਉਸ ਜੁਲਾਏ ਨੇ ਕਹਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੁਝੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਬਰ ਪਰ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਦੋ ਆਨੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਤਾ। ਅਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਤੋ ਯੇ ਕਬਰ ਕਾ ਚੜਾਵਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਇਨਕਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਬਰ ਸੇ ਦੋ ਆਨੇ ਲਾਤਾ ਰਹਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੋ ਕਾ ਚੜਾਵਾ ਥਾ ਤੋ ਕਿਆ ਵੋ ਹਲਾਲ ਖਾਤਾ ਰਹਾ ਯਾ ਹਰਾਮ ਖਾਤਾ ਰਹਾ? ਅਗਰ ਯੇ ਚੜਾਵੇ ਕੋ ਹਰਾਮ ਕਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿ ਵੋ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾਤਾ ਰਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਆਜ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਸੇ? ਯੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਔਕਾਫ ਕਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਕੀ 95% ਆਮਦਨੀ ਮਜ਼ਾਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਮਜ਼ਾਰੋ ਪਰ ਔਕਾਫ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਮੇ, ਔਰ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਆਤੇ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰ ਔਕਾਫ ਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਵਾਲੋ ਸੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਨ ਮਜ਼ਾਰੋ ਸੇ ਤੁਮੇ ਕਿਤਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਸੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਾਰੋ ਸੇ। ਔਰ ਵੋ ਆਮਦਨੀ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਤੇ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ, ਜੋ ਮੌਲਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਸਜਿਦੋ ਮੇ ਇਮਾਮ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਜਿਦੇ ਔਕਾਫ ਕੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਲੋ ਇਨ ਮੌਲਵੀਓ ਕੋ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ? ਬੋਲੋ, ਤੋ ਵੋ ਤਨਖਾਹ ਕਹਾਂ ਸੇ ਦੇਤੀ ਹੈ? ਉਸੀ ਆਮਦਨੀ ਸੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨ ਦੀਨ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਕੀ ਆਮਦਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਕੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਚੜਾਵੇ, ਔਰ ਯੇ ਕਹਤੀ ਹੈ ਚੜਾਵਾ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਖੁਦ ਤਨਖਾਹ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਬੋਲੋ ਹਰਾਮ ਲੇਤੀ ਹੈ ਯਾ ਨਹੀਂ ਲੇਤੀ? ਇਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਯੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਕਹੇ ਕਿ ਇਨ ਪੈਸੋ ਮੇ ਮਜ਼ਾਰੋ ਕਾ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਮਿਲਾ ਹੁਆ ਹੈ,
और चढ़ावा है हराम और आराम आराम राम नहीं खाते, तो इनको चाहिए एक पैसा तनख्वाह ना लिया जाए। और मैं हुकूमत से भी कहूंगा कि इनको बिल्कुल पैसा कोई ना दे, क्योंकि अगर कोई आराम खाता हो तो हमारा फर्ज है कि उसको आराम से बचाएं। ना हुकूमत इनको पैसा दे ना ये आराम खाएं, ये हराम से बचेंगे और हमारे बुजुर्गान दीन के पैसे बचेंगे और हम उनसे कोई और काम करेंगे जिनसे सुन्नियत को फायदा पहुंचेगा। तो ये कहती है चढ़ावा आराम है, आराम भी कहते जाते हैं, साथ तनख्वाहें लेके खाते पीते भी जाते हैं। अल्लाह अकबर। दो आने रोज मिलते थे कब्र से, दो आने रोज, ये बड़ी पुरानी बात। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे किसी से जाती इनाद नहीं, जाती झगड़ा नहीं। हम इन लोगों से कहते हैं खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम करो, हम पर शिर्क बिदत के फतवे न लगाओ, हमें कब्र परस्त और आराम खाने वाला न कहो। अगर तुम हम पर ये फतवे लगाओगे तो ये सारे फतवे तुम पर भी चस्पा होते, तुम भी वही चीजें खाते पीते हैं। बस फर्क ये है कि हम हलाल समझ के खाते हैं, तुम आराम समझ के खाते हो। तो या तो खाना छोड़ दो या हराम कहना छोड़ दो। ये हराम कहना भी नहीं छोड़ते, खाना भी नहीं छोड़ते। तो मालूम हुआ कि इनके मुतल्लक तो कोई शुबा ही नहीं कि ये हराम खाते। हम तो हराम समझते ही नहीं, हमारे नजदीक हराम है ही नहीं। तो खैर दूर चली गई बात। बात ये कर रहा था कि सैयदना गौसे आजम ने डूबते जहाज को पार लगाया। कुरान से साबित हुआ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती दरबार में खड़ा खड़ा इतनी दूर से इतना बड़ा तख्त ला सकता है, तो हुजूर की उम्मत का वली बल्कि वलियों का सरदार बगदाद में बैठे बैठे रूहानी ताकत से डूबते जहाज को पार नहीं लगा सकता। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? करामत। बोलो सारे क्या कहते हैं? करामत। करामत और मोजज़ा एक ही चीज होती है। नबी के हाथ से जाहिर हो तो उसको कहते हैं मोजज़ा, वली के हाथ से जाहिर हो तो उसको कहते हैं करामत। वली की करामत भी उसके नबी का मोजज़ा होती है। ये तमीज के लिए लफ्ज़ अलग अलग है, मोजज़ा और करामत इन दोनों की हकीकत एक है। और मोजज़ा और करामत किसको कहते हैं? जो इंसानी अकल को आजिज़ कर दे, जो अकल से बुलंद, अकल उसके समझने से आजिज़ हो। चुनाचे जैसा मैंने आपको बताया है कि बोलो क्या ये मेरी तुम्हारी अकल में आता है कि इतना बड़ा तख्त कोई शख्स आंख झपकने से पहले ले आए? बोलो अकल में आता है? नहीं आता। तो हम इसको मानते हैं क्योंकि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। तो किस तरह मानती है कि इसका नाम है करामत, और करामत होती वो है जो इंसान की अकल को आजिज कर दे, इंसान की अकल उसको समझने से कासिर हो। मसलन मैं एक दो बातें आपको बताऊंगा। देखो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लाठी थी, लाठी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या? काला है या साज, उन्होंने कहा लाठी। आगे भी है कि मैं इस लाठी पर टेक लगाता हूं, इस लाठी के साथ पत्ते झाड़ता हूं, अपनी बकरियों पर बहुत से काम लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया इस लाठी को फेंक। पाला हल्के हा या मूसा, है मूसा इस लाठी को फेंक दो। फाल्काहा, क्यों ही उन्होंने लाठी को फेंका, फैजा है या हैयतुन तसा, तो जो ही लाठी उन्होंने जमीन पर फेंकी वो दौड़ता हुआ शाम पर गई। बोलो क्या ये इंसान की अकल में बात आती कि एक लाठी जिसको बात रहते हुए वर्ष गुजर गए और उसको आदमी फेंके तो वो बहुत बड़ा शाम बन जाए, क्या ये अकल में बात आती? नहीं आती। तो हम इस पर ईमान रखते हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाता है। तो इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा। बोलो इसको क्या कहते हैं? मोजज़ा वो होता है जो इंसानी अकल को आजिज़ करते।
और वो नबी के हाथ से जाहिर होता है, दूसरा कोई करके नहीं दिखा सकता। और वली के हाथ से जो चीज जाहिर होती है उसको करामत कहते हैं, वो भी उसके नबी का मौजदा होती है। तो करामत और मौजदा होता ही वो है जो इंसानी अकल को आजीज कर। और देखो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे अल्लाह के नबी, जब उन्होंने कौम को ईमान की दावत दी के मुसलमान हो जाओ, तो लोगों ने कहा कि आप हमें कोई मौजदा दिखाइए। फरमाया क्या देखना चाहते हैं? तो जरा सुनना कौम ने क्या कहा। कौम ने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो सामने पहाड़ है ना, पहाड़, ये पहाड़ एकदम फट जाए, आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए, देखते ही देखते कट्ठा ही पहाड़ है, वो फट जाए, उसके दो टुकड़े हो जाए और उसके अंदर से एक ऊंटनी निकले और ऊंटनी भी ऐसी निकले जो हामिला हो, बच्चा देने वाली। जरा देखते जाइए, एक तो पहाड़ एकदम फट जाए और उस पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकले और ऊंटनी भी ऐसी निकले कि वो हमला हो जिसको बच्चा होने वाला हो, ये मौजदा अगर आप दिखा दें तो हम ही मान लें। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने तो आ की और फरमाया देखो पहाड़ की तरफ देखो, फिर बाद में ना फिर जाना। आपने दुआ की और फरमाया पहाड़ की तरफ देखो, पहाड़ एकदम फटा और उसके अंदर से ऊंटनी निकली उसी हालत में जिस हालत का उन्होंने मुतालिबा किया था। अपोलो, क्या ये इंसान की अकल में बात आती कि पहाड़ है पहले तो वो एकदम फट जाए और फिर उसके अंदर से ऊंटनी निकले और ऊंटनी भी इस हालत में निकले जो निकल आई? उन लोगों ने फिर भी ना माना, कहने के हम नहीं मानते, जादू है ये है वो है। जिस वक्त उन्होंने ना माना तो वो ऊंटनी जो अल्लाह ताला की निशानी थी, मौजदा थी, अब वो ऊंटनी कोई दो चार दस मिनट नहीं रही, बाकायदा कितना अरसा जिंदा रही ताकि लोग अल्लाह की इस अजीम निशानी को, नबी के मौजे को देखते रहे। तो उस ऊंटनी का ये हाल था कि वो खाती पीती बहुत थी, रब की ऊंटनी थी ना, रब की ऊंटनी थी, खाती बड़ा थी पीती भी बहुत थी। उसका ये हाल था कि अगर किसी खेत को पानी लगा होता तो ऊंटनी आ जाती ना, तो वो नाली जिसमें पानी जाता ना, ऊंटनी उसमें मुंह डाल देती तो पानी फिर खेत में नहीं जाता था, सारा ऊंटनी के पेट में जाता था। और अगर किसी खेत में मुंह डाल देती, चरने लग जाती तो इधर से लगती उधर तक सारा खेत साफ कर देती। क्योंकि उन्होंने मौजदा तलब किया था, रब की बड़ी निशानी देखी, फिर उसको नहीं मानते थे तो जरा उस रब की निशानी ने उनको भी तो मजा चखाना था ना कि तुम मानते नहीं हो। कौम ने कहा भाई इस ऊंटनी को मारो, ये तो बड़ा नुकसान करती, हमारी तो फसलें उजाड़ देती, खेतों के खेत साफ कर देती, मारो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला कि इन लोगों के इरादे बुरे हो गए और ये उस ऊंटनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा किया, जो इनके वास्ते एक मौजदा है और एक निशानी। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, फरमाया या कौम हादे ही नाकतुल्लाह लकुम आयतन, ऐ मेरी कौम ये अल्लाह की ऊंटनी है और तुम्हारे वास्ते एक रोशन मौजदा है, एक रोशन निशानी है। तो फिर आगे क्या फरमाया, फदरूहा ताकुल फी अर्दिल्लाहे वला तमस्सूहा बिसूइन, इस ऊंटनी को छोड़ दो, ये आजादी के साथ अल्लाह की जमीन पर जहां चाहे खाए पिए, इसको कोई तकलीफ न पहुंचाना, इसको कोई बुराई
कोई बुरी नीयत से हाथ न लगाए। वला तमसूहा बिसूइन, कोई बुरे इरादे से बुरी नीयत से इसको हाथ भी ना लगाए। ये अल्लाह की ऊंटनी है, अल्लाह की जमीन पर जहां चाहे खाए पिए, इसको छोड़े रखो। और सुन लो, अगर तुमने इस ऊंटनी को तकलीफ पहुंचाई, बुरी नीयत और बुरे इरादे से हाथ भी लगाया, फयाखुज़कुम अज़ाबुन करीब, तो फिर बहुत जल्द तुम्हें अल्लाह का अजाब पकड़ लेगा। मौलों ने कहा सुनो इसकी बातें, अल्लाह का अजाब पकड़ लेगा, ऊंटनी हमारा इतना नुकसान कर रही, मारो इसको। उन्होंने ऊंटनी को पकड़ लिया और उसकी कोंचे काट दी, टांगे उसकी काट दी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फाफरूहा, लोगों ने जब उस ऊंटनी की कोंचे काट दी, फकाल तमत्ताऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, सल्ली अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों मैंने तुम्हें कहा था कि इस ऊंटनी को तकलीफ ना पहुंचाना, बुराई से हाथ ना लगाना, तुमने इसकी कोंचे काट दी है, अब 3 दिन तक अपने घरों में खा पी लो, जो पहनना है पहन लो, जो खाना है खा पी लो, जो ऐश करना है कर लो, 4th दिन तुम पर नहीं चढ़ेगा कि तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे। उन्होंने फिर भी कहा अरे सुनो इसकी बातें, बर्बाद हो जाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। 3 दिन गुजर गए, 4th दिन जो चढ़ा तो अजाब के आसार जाहिर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि अब हम नहीं बच सकते, अजाब के आसार जाहिर हो। जब उन्होंने अजाब के आसार देखे तो आए सवाले अलैहिस्सलाम को, कहेंगे साड़ी तौबा मानते हैं हम। आपने इरशाद फरमाया ज़ालिका वादुन गैर मकज़ूब, अब वो वादा गलत नहीं हो सकता। पहले मैंने तुम्हें कहा था इस ऊंटनी को तकलीफ ना पहुंचाना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब अल्लाह का अज़ाब आके रहेगा और तुम नेस्तो नाबूद होके रहोगे। चुनांचे अल्लाह का अज़ाब आया और कौम तबाह हो बर्बाद हो गई, नेस्तो नाबूद। मेरे दोस्तों मैं बयान ये कर रहा था कि इस तरह ऊंटनी का निकलना, बोलो ये बात अकल में आती है? नहीं। तो मोजज़ा कहते ही उसको है जो इंसान की अकल को आजिज कर। तो अल्लाह ताला ने नबियों को दिए मोजज़े और वलियों को दी करामत। तुमने सुन लिया सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की करामत सुनी, गौसे आजम की करामत सुनी। एक और करामत मैं कुरान से पेश करता हूं, फिर हजरत गौसे आजम की एक दो करामतें बयान करके जल्दी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इधर तवज्जो करो, बफजले ही ताला साथ साथ मैं कुरान करीम से भी पेश कर रहा हूं हवाले, ताकि शक शुबा न रहे। मुझे बताओ कि असवाद काफ नबी थे या वली थे? हैं? वली थे, ऊंची बोलो। वली थे, डरते क्यों? वली थे, असवाद काफ वली थे। और किस नबी की उम्मत में थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम को सही मानों में मानने वाले थे। ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्ला नहीं कहते थे जैसे आजकल के ईसाई कहते, वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बंदा, खुदा का रसूल, खुदा का नबी मानने वाले सच्चे मुसलमान थे और औलिया अल्लाह। और उनकी तादाद कितनी थी? 7 वली अल्लाह। ये ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद की बात है। तो एक बादशाह हुआ जिसका नाम था तकियानूस, बादों ने लिखा है ततियानूस, कानूस ही, भवे तकिया था भवे ततिया था। तकियानूस या ततियानूस,
वो बादशाह जो था जब वो तख्त पर बैठा तो वो मगरूर हो गया और उसने खुदाई का दावा कर दिया। तो बताओ, जब खुदाई का दावा कर दिया उसने लोगों से कहा मुझे सजदा करो, जो मुझे सजदा नहीं करेगा मैं उसको कत्ल करवा दूंगा। लोगों ने सजदे करने शुरू कर दिया। ये अल्लाह के जो वली थे इन्होंने कहा सजदा अल्लाह को करेंगे, अल्लाह की जात सजदे के लायक है, तू सजदे के लायक नहीं, तुझे सजदा नहीं करें। बादशाह ने कहा मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, रात तक सोच लो, कल अगर तुमने मुझे सजदा ना किया मैं तुम सबको कत्ल करवा दूंगा। एक रात की मोहलत मिली कि एक रात की मोहलत देते हैं, कल सजदा करोगे तो ठीक वरना सबको सूली चढ़ा दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। एक रात की इनको मोहलत मिली, रात हुई तो ये सातों मिलकर बैठे कि क्या करें, मशवरा करने लगे। इन्होंने मशवरा किया कि अगर सजदा करते हैं तो ईमान जाता है, अगर सजदा नहीं करते तो जान जाती है। ऐसा काम करो कि ईमान भी बचे और जान भी बचे। और वो काम क्या है कि इस मुल्क से हिजरत कर जाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर किसी मुल्क में तुम आजादी से अपने रब का नाम ना ले सको, इबादत ना कर सको, तुम्हें रोका जाए अल्लाह का नाम लेने से या अल्लाह की इबादत करने से, तो उस मुल्क से हिजरत कर जाओ, किसी और मुल्क में चले जाओ जहां आजादी से तुम अल्लाह का नाम ले सको और अपने रब की इबादत कर सको। ये अल्लाह का हुक्म है कुरान। चुनांचे बहुत से बंदे कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, कहेंगे या अल्लाह हम ऐसे मुल्क में थे कि हम वहां मजबूर थे, काफिर बादशाह थे, उनके सामने हम अल्लाह का नाम नहीं ले सकते थे, तो इस वास्ते हमने तेरा नाम नहीं लिया, तेरी इबादत नहीं की। तो अल्लाह फरमाएगा अलम तकुन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है क्या अल्लाह की जमीन अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिया। माशाल्लाह, आयत मुझे याद है, अलम तकुन अर्दुल्लाह वासिया। अल्लाह फरमाएगा क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि तुम उस जमीन में हिजरत कर जाते, फतो हाजिरू फीहा, तुम उस जमीन में हिजरत करके चले जाते। जब तुम आजादी से नाम नहीं ले सकते थे एक मुल्क में तो तुम वहां रहे क्यों? अल्लाह की इतनी जमीन वसी थी, तुम उस मुल्क को छोड़कर किसी ऐसे मुल्क में चले जाते जहां तुम आजादी से अल्लाह का नाम ले सकते। तो ये अल्लाह का हुक्म है कि अगर एक किसी मुल्क में तुम आजादी के साथ अल्लाह का नाम ना ले सको, इबादत ना कर सको, लोग तुम्हें रोकते हो, तो तुम उस मुल्क से हिजरत करके किसी और मुल्क में चले जाओ। हुजूर ने इसी वास्ते तो हिजरत की थी मक्के से कि काफिरों ने आप पर और आपके मानने वालों पर अरसा हयात तंग कर दिया। बार सूरत अस्हाबे काफ ने ये फैसला किया, मशवरा किया कि हिजरत कर जाओ, इस मुल्क को छोड़ दो, इस तरह जान भी बचेगी ईमान भी बचेगा। रातों रात उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ दिया, हिजरत की। तो आप बात सुनना कराची के रहने वालों बुजुर्गों दोस्तों, उन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए, दुकानें छोड़ दी, मकान छोड़ दिए, साजो सामान छोड़ दिए, जमीने और बागात सब कुछ छोड़ दिया, चंद पैसे जो नकद थे वो ले लिए, बाकी बोलो साजो सामान वो साथ ले सकते थे, सब कुछ छोड़ दिए। दुकान रहे या ना रहे, मकान रहे या ना रहे, जमीन बागात रहे या ना रहे, सामान रहे या ना रहे, ईमान रह जाए। और आजकल हमारी हालत ये है कि सामान रहे, दुकान रहे, मकान रहे, ईमान चाहे रहे या ना रहे। हमने ईमान को बड़ा सस्ता समझ लिया, हालांकि खुदा की कसम ईमान जैसी कोई दौलत नहीं। ईमान सबसे ज्यादा बड़ी दौलत है, सबसे निकले। जाहिर है कि सुबह पता चलेगा कि हम भाग गए हैं तो बादशाह हमारे पीछे फौजें सिपाही दौड़ाएगा, हमारी तलाशी होगी,
अगर हम पकड़े गए तो हमें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा तो बादशाह हमें सूली चढ़वा देगा, कत्ल करवा देगा। तो हम चोरी निकले हैं और हमने छुपते छुपाते अपनी जानें बचा के इस मुल्क से निकलना, और ये कुत्ता लग गया पीछे, इसको करो जुदा। अगर ये कुत्ता हमारे साथ रहा तो कुत्ते की आदत ये है कि जब किसी मुसाफिर को देखता है, गुजरने वाले को देखता है, काफिले को देखता है तो भौंकता है। तो एक भौंकेगा तो इसके भौंकने से हमारा सुराग मिल जाएगा, तो इसको करो जुदा। अब क्या करें, सब बात आप समझते हैं मगर मैं थोड़ी सी विदाहत करूं। जहां कहीं कुत्ता हो ना जंगल में तो ये अलामत होती है कि जहां या तो आबादी होगी जहां कोई शख्स हो, क्योंकि जहां आबादी वगैरह ना हो वहां कुत्ता नहीं रहता। जंगल में कुत्ते का होना ये अलामत है कि आसपास कोई आबादी होगी या कोई इंसान रहते हो। इसी तरह ये समुद्रों में सफर करने वाले जो हैं, इनसे पूछो कि ये जहां समुद्र में परिंदों को देखते हैं ना, ये समझते हैं कि जहां आबादी करीब होगी। ये परिंदे इसीलिए हैं कि आबादी करीब होगी, अगर आबादी करीब ना हो तो समुद्र में परिंदे नजर नहीं आते, ये सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कुत्ता अगर हमारे साथ रहा तो हम तो किसी पहाड़ की गार में छुप जाएंगे, कुत्ता तो छुपेगा नहीं, और ये निकलेगा बाहर और किसी मुसाफिर को, गुजरने वाले को देखेगा, ये भौंकेगा तो इसकी वजह से हमारा सुराग मिल जाएगा, तो इसको जुदा करो। उन्होंने कुत्ते को डराया, धमकाया, और कुत्ता पीछे, उन्होंने कहा ये तो पीछा नहीं छोड़ता। उन्होंने डंडा पकड़ लिया, डंडे थे उनके पास, उन्होंने कुत्ते को मारा डंडा, कुत्ते की टांग लंगड़ी हो गई। एक टांग लंगड़ी हो गई मगर वो तीन टांगों से भी पीछे पीछे, तो ये पीछा छोड़ता ही नहीं। उन्होंने एक और डंडा मारा, दूसरी टांग भी लंगड़ी कर दी। अब वो बेचारा चलने से माजूर है, दो टांगे जो जख्मी हो गए। उस कुत्ते ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, चाहे कुत्ता ही हूं मगर तेरी मखलूक, ऐ मेरे खालिक मालिक, मुझे बोलने की ताकत दे, मैं तेरे इन बंदों से एक बात कर। अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली, उसको बोलने की ताकत दे। वो कुत्ता बोल कर कहने लगा, है अल्लाह के बंदो, है अल्लाह के प्यारो, मेरे पास से सैकड़ों आदमी गुजरे, मैं किसी के पीछे नहीं लगा, तुम्हारे पीछे इस वास्ते लगा हूं कि तुम ईमान वाले हो, तुम अल्लाह के प्यारे हो, तुम अल्लाह के वली हो, और तुम्हें जो अंदेशा है ना कि मैं भौंकूंगा, तो मैं भौंकता नहीं, मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं भौंकता नहीं, और मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए लगा हूं कि शायद तुम्हारी सोबत की वजह से, तुम्हारी बरकत से मेरी भी बख्शिश हो जाए। अल्लाह अकबर। चुनाचे एक पंजाबी शायर ने, उस कुत्ते ने जो जवाब दिया, वो शायर उसको शेर में पेश करता है। कुत्ते ने कहा, ना मैं भौंका ते ना मैं टोका, ना भौंकूंगा ना गुजरने वाले को रोकूंगा और टोकूंगा, ना मैं भौंका ते ना मैं टोका, ते ना मैं शोर मचावा, और नेका दे संग रल के शायद मैं भी बख्शिया जावा। वजह से मेरी बख्शिश, अल्लाह की शान देने आ रही है, समझ दे रहे थे कुत्ते को दे दे,
कुत्ता भी समझ ले कि इन वलिया के पिछे लग्या बेड़ा पार हो जाता है, और ना समझ दे रहे थे एडी एडिया लंबी दाड़ियों वाले ना दे रहे बेनियाज हो गया। अल्लाह ताला की शान बेनियादी है, कुर्बान जाइए। कुत्ते को समझ दे रही, कुत्ते ने कहा ये अल्लाह के वली है, इनके पीछे लगने से बेड़ा पार, बेनियाज हो गया। जिसको चाहे समझ दे दे, जिसको चाहे। अल्लाह कुत्ता पीछे, जब कुत्ता बोला ना, वो अल्लाह के बंदे कहने लगे कि ये कुत्ता तो इंसानों की तरह कलाम करता है, और हमारे दिल का जो अंदेशा था कि ये भूकेगा, इसके भौंकने से सुराग मिल जाएगा, तो ये उसकी तरदील कर रहा है कि मैं भौंकता नहीं, क्या करें। उन्हीं में से एक दो ने कहा कि जो अल्लाह इसको बोलने की ताकत दे सकता है, वो अल्लाह इसकी लंगड़ी टांगों को भी दुरुस्त कर सकता है, तो आओ हम इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसको तंदुरुस्ती दे दे, और इसकी टांगों पर जो जरब लगी है उस जरब का असर खत्म हो जाए। उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने कुत्ते को दुरुस्त कर दिया, कुत्ता भी साथ साथ। वो अल्लाह के वली अपना ईमान बचा के जा रहे हैं, साथ साथ कुत्ता भी जा रहा है। एक पहाड़ की गार में पहुंचे, पहाड़ की गार में पहुंचे, और वो पहाड़ की गार कैसे थी, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, और दोनों पहाड़ों के दरमियान नीचे से एक नाली सी होती है ना, यानी रास्ता थोड़ा सा, उसको कहते हैं गार। वो ऐसी गार थी, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, इधर कश्मीर की तरफ को मरी की तरफ चले जाओ तो तुम्हें मंजर नजर आएगा, इधर भी ऊंचा पहाड़ इधर भी ऊंचा पहाड़, ऊपर से देखो तो नीचे नाली सी जैसे होती है ना, दोनों पहाड़ों के दरमियान इस तरह दोनों तरफ पहाड़ थे ऊंचे ऊंचे, और वो वहां चले गए। जिस वक्त वो वहां गए और वहां जाकर वो देर, कुत्ता भी बैठा था। अब उस कुत्ते का जिक्र कुरान में आ गया, अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद, अस्वाबे काफ का कुत्ता अपने बाजू फैलाए हुए बैठा है, अस्वाबे काफ का कुत्ता बैठा। अल्लाह जरा गौर करना, वकल्बुहुम, कल्बो मुजाफ, हुम ज़मीर मुजाफ इलैह है, माना ये हुआ उनका कुत्ता, किनका, अस्वाबे काफ का, पहले तो वो कुत्ता ही था मगर जब वलियों का कुत्ता हो गया तो उसका जिक्र कुरान में आ गया। दुनिया वलियों की तरफ निस्बत, वलियों की तरफ इजाफत, वलियों के साथ ताल्लुक, ये बहुत बड़ी नेमत है, मगर शर्त ये है कि हो वली, सही मानों में वली हो, पंगी चर्सी लोग ना हो। कई ऐसे हैं जो वली नहीं है, वली बने हुए बैठे होते हैं मदारों पर मलंग बन के, ना नमाज ना रोजा ना शरीयत ना तरीकत, भंग चर्च पी छोड़ी और नारा मार छोड़िया, हैदर कलंदर, दमादाम ना धोखा ना गम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम, अली का पहला नंबर, हैदर हैदर कलंदर। ये जो है ना, मैं इनको वली अल्लाह नहीं कहता, ये तो वली अल्लाह को बदनाम करने वाले लोग। वली अल्लाह वो है जिनका चलना फिरना उठना बैठना शक्ल सूरत हर काम नबी करीम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, जिनको देखकर अल्लाह याद आता है। सच्चे वलियों की बात कर रहा हूं। कुत्ता बैठा हुआ है वलियों की सोबत, पीछे लग गया कुत्ता। यहां एक बात करूं, वो कुत्ता पीछे लगा, पीछे उन्होंने बटेरा दूर किया, दूर करने की कोशिश की, जुदा करने की कोशिश की, बताया डराया धमकाया डंडे संडे मारे, मगर कुत्ता पीछा नहीं छोड़, पक्का होके पीछे लगा, पक्का होके। उसका अकीदा बड़ा मजबूत था, उसने कहा चाहे मारो चाहे कुछ करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा,
मालूम हुआ जो पत्ता होके बलियों के पीछे लग जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। अल्लाह हू अकबर। या रसूल, या रसूल। अब सुनो, पूछ लेना जिस मौलवी से चाहो, कयामत के दिन वो कुत्ता इंसानी शक्ल में होकर जन्नत में जाएगा। किस तरह? बनी इसराइल में एक शख्स हुआ जिसका नाम था बलम बाऊल। वो बड़ा आबिद और जाहिद था। बाद में उसने ऐसे गुनाह किए कि अल्लाह ने उस पर अजाब नाजिल किया, उसकी सूरत मसख हो गई और अल्लाह ने उसको कुत्ता बना दिया। फमसलहू कमसलिल कल्ब, अल्लाह कुरान में फरमाता है उसकी मिसल ऐसी है, उसकी मिसल ऐसी, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे के कुत्ता। तो वो बलम बाऊर जो था वो इंसान, अल्लाह ने उसकी सूरत मसख करके कुत्ता बना दिया। तो कल कयामत के दिन बलम बाऊर की इंसानी शक्ल अस्वाबे काफ के कुत्ते को दे दी जाएगी और अस्वाबे काफ के कुत्ते की शक्ल उस बलम बाऊर को दे दी जाएगी। उसको कुत्ता बना के जहन्नम में भेज दिया जाएगा, अस्वाबे काफ के कुत्ते को इंसान बना के जन्नत में भेज दिया जाएगा। कुत्ता जन्नत का हकदार हो गया। है? देखो औलिया अल्लाह की सोबत की बरकत दे, कुत्तों को जन्नत का हकदार बना दे। अब पढ़ो मौलाना रूम का शेर, फरमाते हैं यक जमाना सोबत बाउलिया बेहतर सत साला तात तेरे आ। मौलाना फरमाते हैं बली अल्लाह की सोबत एक घड़ी पर बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर। अल्लाह का वली मौज में हो, उसकी निगाह हो जाए तो उसकी निगाह से वो कुछ मिल सकता है जो 100 साल की इबादत से नहीं मिलता। अल्लाह जो बात करनी है वो अब सुनो ध्यान से। ये सारा वाकया जो बयान किया है, इस वाक्य के बयान का मकसद क्या है? अस्वाबे काफ उस गार में यानी दोनों पहाड़ों के दरमियान पड़े रहे। कितना अरसा पड़े रहे मजमे में कोई बताओ? 309 साल। ये मैं नहीं कहता, कोई मौलवी नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है वाला दे सूफी कहते हैं सलासमियतिन सनीना वज़्ज़ादू तिसा। अस्वाबे काफ उस गार में 309 साल तक ठहरे रहे। कितना अरसा? 309 साल। जिस वक्त उठे ना तो उनके कपड़े मैले हुए थे, ना उनके बालों का रंग बदला, ना चेहरों का रंग बदला, किसी किस्म की तब्दीली नहीं। ऐसा लगता था जैसे आदमी तो 2-4-6 घंटे सोए और उसके बाद उठे, तो ये हाल। चुनाचे अल्लाह तआला कुरान में फरमाता है जब वो उठे काला कायलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने कहा कम लबिस्तुम, तुम यहां कितना अरसा ठहरे? कालू लबिस्ना यौमन औ बाद यौम। दूसरे कहने लगे या तो हम एक दिन ठहरे हैं या आधा दिन ठहरे। और ठहरे कितना थे? 309 साल। यहां मैंने 2-4 बातें करनी है। पहले तो गौर से जो फायदे हैं वो सुनो।
बोलो एक बंदा 309 साल तक बगैर खाए पिए गुजार सकता है? हमें सुलता ही हो गए हैं, दो चार छह घंटे के बाद जब भूख लगेगी ना तो उठेगा। भूखे आदमी को नींद भी नहीं आऊंगी, भूखे आदमी को कोई चीज अच्छा नहीं लगती, भूख बुरी चीज है। 309 साल तक वो पड़े रहे, उनको भूख ना प्यास, 309 साल तक ना पेशाब ना पखाना, आज भी नहीं। मैं कहता हूं ये तो ये जो है ना पाइप, ये तो छोटा सा, इतना मोटा लोहा ले लो, इतना मोटा 2 फुट 4 फुट मोटा लोहा ले लो और उसको पहाड़ों में फेंक दो, 309 साल की मुद्दत में लोहा भी गल सड़ जाएगा, हवाएं लगेंगी, जंगार खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। 309 साल की मुद्दत कोई मामूली नहीं होती। मैं कहता हूं 20-25 बरस में उस लोहे का क्या हाल हो? 309 बरस तक कितना मोटा लोहा भी खत्म हो जाए, जंगार खा जाए और हवाएं और बारिशें उसको खत्म कर दे, मगर वो अल्लाह के बंदे 309 साल तक पड़े रहे, उनके कपड़े भी मैले नहीं हुए, कपड़े भी बोसीदा और पुराने नहीं हुए। अच्छा, जब वो उठे बिल्कुल उसी तरह, तो 309 साल तक उनका पड़े रहना और किसी किस्म की तब्दीली ना आना, ये क्या है? ये करामत, ये करामत है। और करामत वही होती है जो अकल को आजिज कर। 309 साल तक उनका पड़े रहना, किसी किस्म की तब्दीली ना आना, ना भूख लगना, ना प्यास लगना, ना कपड़े मैले होना, ना बालों का रंग तब्दील, ना चेहरों का रंग तब्दील। जनाबे वाला उठे तो ऐसा लगती है जैसे अभी सोए हैं। तो ये क्या है? ये करामत है, वरना अकल में ये बात है नहीं आती कि 309 साल तक कोई पहाड़ों में पड़ा रहे और उसमें कोई तब्दीली ना आए। अब मैं एक बात करता हूं, पढ़े लिखे हजरात जरा गौर से सुने। यहां बाद मौलवी फिरते हैं, तकरीरें करते फिरते हैं, पंजाब से कोई आ जाता है, कोई इधर से कोई उधर से, वो यही असहाबे काफ का वाकया पेश करके क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि असहाबे काफ को पता नहीं था कि हम कितना अरसा ठहरे। 309 साल तक ठहरे थे, जब वो उठे तो उन्हीं में से एक ने पूछा तुम कितना अरसा ठहरे हो, तो उन्होंने कहा कि लबिसना यौमन औ बादा यौम, एक दिन या आधा दिन, तो उनको पता नहीं था। तुम कहते हो वलियों को पता होता है, उनको पता नहीं। तो और जो आगे बैठे होते हैं नारा तकबीर सुभान अल्लाह, लोगों को क्या पता है? कि हमारे मौलवी ने बड़ी शानदार बात की, साबित कर दिया कि इलम ने इन्हों का यह ही काम है। यानी हर बात से ये निकालेंगे, इलम नहीं था उनको, कुदरत नहीं थी, वो कुछ कर नहीं सकते थे, वो बेख्तियार थे, वो नूर नहीं थे, कोई करा यही चीजें निकालें। आओ मैं इसके मुतल्लिक असल बात अर्ज करूं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे ये बताओ, झूठ किसको कहते हैं? अरबी में कहते हैं किज़्ब, और उर्दू में क्या कहते हो? झूठ। बोलो झूठ किसको कहते हैं? झूठ उस बात को कहते हैं जो वाकये के खिलाफ हो, जो बात वाकये के खिलाफ हो उसको कहते हैं झूठ। मसलन आज अंग्रेजी की क्या तारीख थी? 6 थी ना, 6 ही है अभी, अभी 7 नहीं हुई, थोड़े देर के बाद हो जाएगी। आज 6 तारीख, तो फरवरी की 6 तारीख हफ्ते का दिन इतवार की शब को यहां दरियाबाद में
अंजुमन आशकाने गौसुल आजम की तरफ से ये जलसा हो रहा है ग्यारहवीं शरीफ का, जिसमें मोहम्मद शफी उकार भी तकरीर कर रहा है। रस्ता दे दो, रस्ता दे दो, रस्ता दे दो, आराम से रस्ता दे। मोहम्मद शफी उकार भी तकरीर कर रहा, ये एक वाकया है। रस्ता दे दो भाई, रस्ता, ये एक वाकया है। बोलो क्या है वाकया? दो चार दिन के बाद कोई कहे कि 6 फरवरी को इतवार की शब को दरियाबाद में अंजुमन आशकाने गौसुल आजम की तरफ से कोई ग्यारहवीं का जलसा नहीं और मोहम्मद शफी उकारवी ने तकरीर नहीं की, तो उसकी ये बात क्या होगी? झूठ। झूठ किसको कहते हैं? जो वाक्य के खिलाफ। वाक्य ये है कि यहां जलसा हो रहा है, हुआ है, और वो कहता है जलसा नहीं हुआ, तो उसकी बात वाक्य के खिलाफ। तो जो बात वाक्य के खिलाफ हो उसको कहते हैं झूठ, और जो बात वाक्य के मुताबिक हो उसको कहते हैं सच। उर्दू में कहते हैं सच, अरबी में कहते हैं सिद्ध। अच्छा, आप ये बताओ कि वाकया ये था कि अस्वाबे का 309 बरस तक ठहरे। वाकया क्या था बोलो? 309 बरस तक ठहरे थे, ये कुरान में है। और उन्होंने कहा कि हम एक दिन या आधा दिन ठहरे। अगर तुम ये कहो कि उनकी बात वाक्य के खिलाफ थी तो फिर होगा झूठ, और जो झूठ बोले वो अल्लाह का वली हो नहीं सकता। तो फिर तुम उनको अल्लाह का वली कैसे कहते? क्योंकि झूठ बोलने वाले तो अल्लाह के वली नहीं हो सकते। तो ये जो इतराज करते हैं, इन्होंने असल हकीकत को समझा नहीं। आओ मैं बताऊं, उन अल्लाह के वलियों ने झूठ नहीं बोला बल्कि सच बोला। उन्होंने भी सच बोला और अल्लाह ने भी सच फरमाया। अल्लाह का कलाम भी सच्चा के वो 309 बरस तक ठहरे रहे, और उन्होंने जो कहा कि हम एक दिन या आधा दिन ठहरे हैं, उनकी बात भी सच्ची। कैसे सच्ची? ये इधर ध्यान करो, वो मुद्दत जो जमाने के लिए 309 साल थी, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपने उन बंदों के वास्ते आधे दिन के बराबर कर दी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से वही 309 साल की मुद्दत उन अल्लाह वालों के लिए आधे दिन के बराबर कर दी। तो दोनों की बात सच्ची है। इसकी दलील क्या कि अल्लाह ने उनके लिए 309 साल की मुद्दत आधे दिन के बराबर कर दी? उसकी दलील यह है कि ना कपड़े मैले हुए, ना भूख लगी, ना कुछ और हुआ, वरना 309 साल की मुद्दत में तो आदमी रह नहीं। ये उनकी दलील। और वाकयातन 309 साल गुजर गए थे, ये अल्लाह के फरमान की दलील। चुनांचे मैं आपको बताऊं, जिस वक्त वो उठे तो उन्होंने कहा भाई किसी को बाजार में भेजो, तो वो बाजार से कोई चीज वगैरह खरीद के लाए तो हम खाएंगे। एक आदमी को पैसे दे के भेज दिया। वो जो आया ना बाजार, जहां खाने पीने की चीजें बिकती थी, पैसे दिए, तो वो दुकानदार कहता है कि कौन सी सदी के पैसे हैं ये? पैसे कौन सी सदी के? वो पैसे देखे कि ये पैसे कौन से मुल्क के हैं, कौन सी सदी की है? आजकल तो ये सिक्का है ही नहीं। कई बहुत सारियां बदल गई, कई सल्तनतें बदल गई, सिक्के भी बदल गए। तो क्योंकि 309 साल की मुद्दत गुजर गई थी, तो वो 309 साल पहले का सिक्का उनके पास था। तो जिस दुकानदार को उन्होंने पैसे दिए, तो उन्होंने कहा कि ये सिक्का किस मुल्क का है, कौन सी सदी का है, ये पैसे तुमने किधर से दिए? वो दुकानदार ने दूसरे दुकानदारों को बुलाया, आओ। वो 4-6 दुकानदार इकट्ठे हो गए कि पहचानो ये कौन से मुल्क का पैसा है, कौन सी सदी का पैसा है। उन्होंने आपस में ये ख्याल किया कि मालूम होता है कि कोई पुराना खजाना इनके हाथ लगा है।
तो पुराना खजाना दबा हुआ होगा सैकड़ों वर्ष पहले का, और वो इनके हाथ में लगा है, इनके पास और भी पैसे होंगे, इनको पकड़ है। तो ये दलील है अल्लाह के कलाम के सच्चा होने की, कि सदियां गुजर गई, बादशाहियां गुजर गई, सिक्का ने जो सिक्का था उसने बताया कि 309 साल गुजर गए हैं, और उनकी हालत नहीं बदली, उसने बताया कि उनके वास्ते आधा दिन गुजरा। तो नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने 309 साल की मुद्दत जो जमाने के वास्ते थी वो अशाबे काफ के वास्ते आधे दिन के बराबर कर दी। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह इस बात पर कादिर है कि एक मुद्दत को किसी के लिए लंबा कर दे और उसी मुद्दत को किसी के लिए थोड़ा कर दे। आओ मैं इसकी और भी दलीलें कुरान से पेश करूं। जो लोग इतराज करते हैं ना, इनको समझ नहीं, ये कुरान में गौर नहीं करते। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के पास से गुजरे। बैतुल मुकद्दस को एक जालिम बादशाह था जिसकी रूए जमीन पर हुकूमत हुई है, उसका नाम था बुख्ते नसर। उसने बैतुल मुकद्दस की ईंट से ईंट बजा दी, सारा शहर तबाह वीरान कर। तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजरे तो उन्होंने शहर की हालत देखी, तो कहने लगे कि ये शहर जो तबाह बर्बाद हो गया है, तो अब ये शहर कब आबाद होगा, कैसे आबाद होगा। ये कुरान में अल्लाह फरमाता है तीसरे पारे, उस वक्त हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास एक गधा था और कुछ अंगूर थे, शरबत था, तो खाने पीने की चीजें थी और एक गधा। जब उन्होंने शहर को देखा कि सारा शहर वीरान हो गया, एक भी घर आबाद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये शहर अब किस तरह आबाद होगा, कब आबाद होगी। अल्लाह ताला ने उन पर मौत की कैफियत तारी कर दी। अल्लाह कुरान में फरमाता था माता हुल्लाहु मियतामिन, एक 100 बरस तक अल्लाह ने उन पर मौत की कैफियत तारी कर दी। 100 साल तक पड़े। ये कोई सूफियों की बातें नहीं बता रहा, ये कुरान पढ़ रहा हूं। बोलो कितना अर्सा पड़े रहे, 100 साल तक। तीसरा पढ़ा है, तुम भी जाकर घर जाकर देख ले, 100 साल तक। सुम्मा बासा, फिर अल्लाह ने उनको उठाया। जब उठे तो एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने पूछा काला कम लबिस्ता, ऐ उज़ैर तुम यहां कितना अर्सा ठहरे। काला लबिस्तो यौमन औ बादा यौम, उन्होंने भी यही कहा कि एक दिन या आधा। बोलो कितना अर्सा ठहरे, 100 साल। और कहते हैं एक दिन ज्यादा थे, तो क्या पैगंबर ने झूठ बोला, क्या अल्लाह ने झूठ बोला। माजिंदा अल्लाह ने भी सच फरमाया, पैगंबर ने भी सच फरमाया। वो मुद्दत जो जमाने के वास्ते 100 साल थी, अल्लाह ताला ने उसी मुद्दत को उज़ैर अलैहिस्सलाम के वास्ते आधे दिन के बराबर कर दिया। दोनों ने सच कहा, और दलील सुनो, दोनों के सच्चे होने की दलील इससे आगे पढ़ो। अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है फंजुरी ना तामिका वशराबिका लम यतसन्ना, ऐ उज़ैर अपने खाने पीने को देखो, वो बासी भी नहीं हुआ। जो शरबत था ना उसी तरह, अंगूर भी उसी तरह। हालांकि बोलो 100 साल के अरसे में अंगूरों का क्या हाल होता है, ताजे बताते रह सकती। शरबत का क्या हाल होता है, शरबत ताजा तो ताजा रह सकता है। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के खाने पीने की चीजें अल्लाह फरमाता है लम जाता सन्ना, बासी भी नहीं हुई। बासी जान रहे हो उर्दू का लफ्ज, साढ़े पंजाब के अंदर बेई, तो बेई भी नहीं हुई रोटी। हालांकि 100 साल की मुद्दत में बोलो खाने पीने की चीजों का क्या हाल है, रोटी उसी तरह ताजी, अंगूर उसी तरह ताजे, शरबत भी उसी तरह। और
یہ دلیل بن گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے سچے ہونے کی، آدھا دن گزرا اور اللہ فرماتا ہے 100 سال، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وانظر الیہ مارے کا، اے عزیر تو اپنے گدھے کو دے، گدھا مر کھپ گیا، ہڈیاں شڈیاں بھی نہ ملے، حالانکہ گدا تو 10-20 سال نکال سکتا تھا اور انگور اور روٹی کھانا تو ایک 10 دن نہیں نکال سکتا، لیکن کھانا پینا بس ہی بھی نہیں ہوا اور گدے کی ہڈیاں تک نہیں ملتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تو بھی سچا، تیرے سچی ہونے کی دلیل تیرا کھانا پینا ہے جو باسی بھی نہیں ہوا، اور میں بھی سچا کہ دیکھ تیرے گدے کی ہڈیاں بھی نہیں مل رہی، تو وہ 100 سال کی مدت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کے واسطے آدھے دن کے برابر کر، یہ کیوں اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے؟ سنو، کسی مولوی سے پوچھ لینا کہ اکار بھی یہ بات کہہ گیا، بولو قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ کیا بات ہے تم بولتے نہیں ہو، مجھے بولو، تو میرے کول بیٹھے ہیں،